अब गाइस हमें समझना है कि ये जो हमने कनेक्शन देखा डेटाबेस में और जो हमारा यूजर इंटरफेस था राइट अब उस कनेक्शन को देख लेते हैं कि वो कनेक्शन बेसिकली वर्क कैसे करता है तो इस वक्त अब हमें कनेक्शन कनेक्शन करना है है कि कि हमने अपने डेटाबेस से हुआ कैसे कैसे एक बार इसकी क्या थोड़ी समझ लेते हैं कि ये हो कैसे रहा है। तो हमारा जो पेट कॉन्ट्रैक्ट था गाइज पेट कॉन्ट्रैक्ट कौन सी क्लास थी जिसमें हमने कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करे थे सारे राइट तो वो कौन सी क्लासेस के यूज हो रहा है गाइज वो सारी क्लासेस यूज कर रहे हैं राइट है? अब गाइज ये डेटाबेस यूज कहा हो रहा है हमारे यू में यूज होगा जो डेटाबेस हमने बनाया है वो कौन एडिटर एक्टिविटी

कि मुझे क्या चाहिए एक डेटाबेस चाहिए जो मैं पढ़ सकूं। तो सबसे पहले ये पेड डीबी हेल्पर है ये क्या कर देखेगा कि वो डेटाबेस है या नहीं तो कौन सी स्टेटमेंट आएगी हमारी का एस्क्यूलाइट डेटाबेस जो हमारा क्या है? एस्क्यूलाइट डेटाबेस टाइप का ऑब्जेक्ट बना लिया जो हमने जो इंस्टेंस बनाया था किसका पेड डीबी हेल्पर का उसमें हमने डॉट कमांड यूज करके मेथड लगा दिया Get readable database. इस वाले का का काम क्या क्या होता है है करना करना और और फिर उस को open करना. और अगर guys, already exist करती है वो तो सिंपल ओपन कर देना बेसिकली इस जब इसमें यू आई ने कहा मुझे एक रीडेबल डेटाबेस की जरूरत है राइट right? तो पेट डीबी हेल्पर पे जब ये रिक्वेस्ट जाएगी तो बेसिकली क्या होगा वो पहले देखेगा सर्च करेगा क्या

दूसरी कंडीशन अब एक बार हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया राइट एक बार हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया अब गाइस ऑलरेडी हमारा जो डेटाबेस है वो एक्सिस्ट कर रहा है ये तो कंडीशन हो गई जब आप फर्स्ट टाइम रन करोगे तो क्या जाएगा ऑन क्रिएट पे जाएगा राइट ऑन क्रिएट पे एक डेटाबेस क्रिएट कर देगा लेकिन अब आप अगर सेकंड टाइम जाओगे गाइस तो सेकंड टाइम तो ये रन नहीं होगा क्योंकि सेकंड टाइम ऑन क्रिएट रन नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे क्या है शेल्टर डॉट डे भी एक्सिस्ट करता है तो उसका एक ऑल्टरनेट क्या होगा ये अभी जैसे गाइज अभी क्या है जब हमारी नो no कंडीशन है तो डेटा बेस ऑन क्रिएट हुआ और उसने किसको दिया अपने एस्क्यूलाइट डेटे जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था क्योंकि गाइज ये वाली अभी कंडीशन हम वही वाली देख रहे हैं कि जिस कंडीशन में अभी क्या कंडीशन नो no है तो जब हमारी कंडीशन नो no होती है तो पहले किस पे जाएगा ऑन क्रिएट पे जाएगा एक उसने क्या बनाया है डेटाबेस क्रिएट करा और एस्क्यूलाइट डेटाबेस को दे दिया और किसको दे देगा यूआई को दे देगा और ये वाला प्रोसेस बेसिकली गाइस हुआ क्यों क्योंकि हमने क्या बनाया था एस्क्यूलाइट डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था वो ऑब्जेक्ट किसके इसमें इंस्टेंस में हमने स्टोर कर दिया था वो इंस्टेंस जब हमने और हमें क्या मिला रिजल्ट मिला गाइस तो एसक्यूलाइट किसको दे दिया किस को रिजल्ट दे दिया राइट अब गाइस दूसरी कंडीशन देख लेते हैं जब डेटाबेस ऑलरेडी एक्सिस्ट करता है तो जब डेटाबेस फिर से चेक करेगा अब जब हमने ऐप को दोबारा रन करा एक बार गाइस दो बार की कंडीशन है जब हमने फर्स्ट बार रन करा तो डेटाबेस क्रिएट हो गया राइट अब जब गाइस आप दोबारा अंदर गए तो ऑलरेडी डेटाबेस एक्सिस्ट कर रहा है अब डेटाबेस रेस तो नहीं हो सकता तो उसने क्या चेक करा क्या डेटाबेस है उसे आंसर मिला कि हाँ डेटाबेस है जब ना था तो उसने डेटाबेस क्रिएट करा जब है तो उसने कहा यस yes है तो गैस क्या हुआ उसने एक तो यस yes भेजा और क्या भेजा जो शेल्टर डॉट का पहले क्या था पहले क्रिएट हो रहा था फिर जा रहा था अब क्या हो रहा है सिंपल येस गया एंड डेटाबेस एसक्यूलाइट डेटाबेस ने क्या कर लिया एक्सेस कर लिया शेल्टर डॉट को तो गाइज यहाँ पे होपफुली आप क्या हो गए डिफरेंस समझ गए हो गये. तो जैसे ही गाइज इसने यहाँ पे शेल्टर डॉट लिया इसने UI को क्या दे दिया अपना जो डेटाबेस था वो जो रिक्वेस्ट करी थी उसने डेटाबेस के लिए यू आई ने राइट वो इसने दे दी तो बेसिकली दोनो, दोनों दोनों कंडीशन में डिफरेंस क्या है गाइस एक में जब डेटाबेस नहीं था तो हमने डेटाबेस क्रिएट करा फिर भेजा जब गाइस डेटाबेस एग्जिस्ट करता है तो हमारा एस्क्यूलाइट डेटाबेस ने ऑब्जेक्ट ने क्या करा सिंपल डेटाबेस उठाया और यू आई को दे दिया तो इस कंडीशन में अब हमारा कनेक्शन का क्या हो गया गाइस एक तो पैट कॉन्ट्रैक्ट हो गई जो डेटा की हमारी फाइल्स हैं जो हमने बनाई थी राइट एक तो पेट कॉन्ट्रैक्ट हो गए जिसमें सारे कॉन्टेंट हो गए पेट डीबी हेल्पर हो गया जो क्या कर रहा है कर कर रहा है, कर रहा है है क्रिएट टेबल ऑन क्रिएट एंड ऑन अपग्रेड वाला मेथड यूज कर रहा है राइट और यहाँ पे हमारा एक क्या हो गया जो एस्कुलाइट डेटा है जो क्या कर रहा है जो हमारा इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है हमने पेट डीबी हेल्पर का उसे क्या कर रहा है रीडेबल बना रहा है कनेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है इस तो बेसिकली हो क्या रहा है की यहाँ पे एस्क्यूलाइट डेटाबेस किसमें कनेक्शन दे रहा है ये होपफुली गई अब आपको समझ में आ गया हो कि एस्क्यूलाइट डेटाबेस कनेक्ट कर रहा है शेल्टर से और जब एस्कुलाइट डेटाबेस कनेक्ट कर रहा है शेल्टर से वो पूरी ये पूरी इक्वेशन किससे कनेक्ट कर रहे है UI से तो ये एक अलग पार्ट पे क्या कर रहा है एक्ट कर रहा है ये एक एज अ अलग पार्ट एक्ट कर रहा है दोनों के जो एस्क्यूलाइट डेटाबेस है हमारा जो हमने क्या इंस्टेंस क्रिएट करा था और उसका ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं वो गेट करने के लिए उसका इंस्टेंस एमडीबी हेल्पर का किसमें में एस्क्यूलाइट डेटाबेस में ये कैसे एक्ट कर रहा है दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है गाइस कौन सा ब्रिज किसके बीच में और डेटाबेस के बीच में एंड जो हमारी एक्टिविटीज हैं उनके बीच में राइट right? तो ये क्या हो गया गाइस हमारा कनेक्शन की कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश करते हैं आप क्या देखते हैं गाइस कि कैसे हम इसे डेटाबेस को पुल करेंगे ओके okay? निकालेंगे कैसे डेटाबेस को तो वो देख लेते हैं तो गाइस हमने यहाँ तक का जो हमारा था कि कैसे हमें कनेक्शन क्रिएट करना है राइट right? डेटाबेस से वो हमने क्या करके देख लिया करके देख लिया था गाइस अब हमें एक दूसरी चीज़ करनी है कि गाइस हमें ये देखना है कि हमें डेटाबेस पुल कैसे करना है पुल इन द सेंस कि कैसे मैं जो डेटाबेस हमने क्रिएट करा राइट right? अब गाइस हमें उसे देखना है कि वो सही है नहीं है थोड़ा सा उसे क्या करना करना है guys, करना है है गाइस रेक्टिफाई कुछ एरर आ रही राइट right? तो उसके लिए गाइस अब देखेंगे कि कैसे हम डेटाबेस को जो हमारा एप्लीकेशन है राइट right? तो जो डेटाबेस हमने क्रिएट करा है उसे पुल कैसे करना है और बेसिकली क्रिएट कहाँ होता है अब गाइज ये चीज जो चीज हम करने वाले हैं वो सिंपली बस अभी इम्युलेटर में होगी आप फोन में ट्राई कर सकते हो लेकिन फोन में सिर्फ तब होगी जब आपका फोन क्या फोन क्या होगा रूटेड होगा अगर आपका फोन रूटेड नहीं है गाइज एंड्रॉइड तो ये चीज नहीं होगी क्योंकि हम उसमें से डेटा बेस फैच नहीं कर सकते रिस्ट्रिक्टेड होता है फोन में तो इसलिए अभी हम किसमें करके दिखाऊंगा मैं आपको इमुलेटर में करके दिखाऊंगा कि कैसे गाइस ये चीज हम क्या करते हैं पूरा करते हैं अब गाइस ये चीज करने के लिए क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो डिस्प्ले डेटाबेस इन्फो है जो क्या हमारा कनेक्शन क्रिएट कर रहा था राइट एक इंस्टेंस

जो एक्सिस्टिंग डेटा है उसे क्या करना पड़ेगा इरेज करना पड़ेगा गाइज तो उसके लिए मैं क्या करूंगा गाइज आप सेटिंग में जाके सिंपली यहाँ पे एप्स के नाम से वो होगा सेटिंग में ऑप्शन आप सिंपल कहा जाओगे गाइस जो हमारा पेट्स है यहाँ पे हमारा पेट ऐप आ गया और आप पेट ऐप पे जाके गाइस क्या करोगे स्टोरेज पे जाना है आपको और यहाँ पे क्लियर डेटा करना है यहाँ पे आप देख रहे हो फोर्टी फोर के का मेरा डेटा है तो यहाँ पे क्या करोगे आप सिंपल क्लियर डेटा कर देंगे एंड अगर आपकी यहाँ पे कैश भी है गाइस तो सिंपल कैश फाइल्स भी क्या कर देंगे क्लियर कर देंगे अब गाइस जब इसे दोबारा में रन करूंगा किसको पेट वाले ऐप को अपने तो हम देख सकते हैं जैसे अगर मैं यहाँ पे पेट को रन करूँ तो ये अभी क्या दिखा

कह दिया कि हमें डेटाबेस क्रिएट नहीं करना है तो यहाँ पे इस वक्त क्या है कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं है गाइस इसमें कैसे चेक करेंगे आप डिवाइस एक्सप्लोरर पे जाना गाइस ठीक है यहाँ पे साइड में अगर आप देखो तो यहाँ पे राइट right में डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के नाम से एक ऑप्शन है उसमें हमारे पास सिम्युलेटर खुल गया जिसमें मेरा रन हो रहा है ये ऐप और उसमें क्या है डेटा डेटा में क्या आएगा इस लोकल लोकल नहीं सॉरी गाइस डेटा में डेटा में ही जाना है एंड इसके बाद जो हमारा पैकेट नेम होता है राइट जो ऐप का हम उसमें जाएंगे एंड सिंपल गाइस हमें क्या ढूंढना है अपना पेट ऐप ढूंढना है इसमें पैट ऐप तो गाइस यहाँ पे क्या आ गया मेरा पेट ऐप आ गया और मैं ऐसे खोल लूंगा तो गाइस ये क्या आ गया मेरा पेट वाला जो जहाँ पे डेटा स्टोर होगा वो आ गया अब मैं ऐसे खोल लूंगा और यहाँ पे आप देखो एक तो मेरे पास दो फोल्डर है गाइज एक तो कैश का फोल्डर है राइट अगर आप देखो गाइज हमारे पास ऊपर मे का भी जैसे हमने करा था राइट right? तो आप देखोगे इसमें में सिर्फ कैश है इसमें हमारे उसमें क्या है डेटाबेस का भी एक फोल्डर है अगर मैं डेटाबेस में जाऊंगा तो गाइस यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटाबेस का कुछ नहीं है ओके ये क्या सिंपल एक हमारी बस डेटा पैकेज नेम लिखा हुआ है यहाँ पे कोई डेटा हमारा नहीं पड़ा हुआ कोई डेटाबेस नहीं है वो क्यों नहीं है गाइस क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है इसको डिलीट कर दिया है डेटा को क्योंकि गाइस जो हमारा डेटाबेस यहाँ से क्रिएट हो रहा था जब मैंने इसे कमेंट आउट करके दोबारा रन करा है इम्यूलेटर और यहाँ से जो ऐप है गाइस उसको क्लियर डेटा कर दिया तो जब मैंने क्लियर आउट कर दिया गाइस उसके डेटा को तो सिंपली क्या हुआ जो हमारा डेटाबेस था वो अब एक्सिस्ट करता नहीं है तो हमारे ऐप में भी अब कोई डेटा नहीं है गाइस